फिटनेस पे 10 ऐसी घटिया एडवाइसेस जिन्हें आज हमें अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंकना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एडवाइस या फिर हर सिखाई गई चीज काम की हो या सही हो, और कई बार इन एडवाइसेस की वजह से हमें काफी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये हम पे वर्क नहीं करती तो हम इरिटेटेड हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमारे सारे एफर्ट्स, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, इसलिए हम दोबारा एफर्ट्स डालना ही बंद कर देते हैं, और कई बार इन घटिया एडवाइसेस की वजह से हमें काफी नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी ऐसी 10 स्टूपिड एडवाइसेस हैं जिन्हें हमें खुद से हमेशा दूर रखना है। पहली और सबसे खराब फिटनेस एडवाइस जो हमें मिलती है वो है रीजन टू गेट फिट, जो कारण हमें दिए जाते हैं फिट होने के लिए या फिर फिट ना होने के लिए। अरे तुम्हें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, तुम तो पहले से ही पतली हो, अरे थोड़ा वेट लूज कर लो, लड़के वाले क्या कहेंगे, भाई लड़की पटानी है ना तो थोड़े डोले बना ले। इन सब एडवाइसेस से ना आपको बस टेम्पररी किक ही मिलेगी, बट अगर आप सच में अपने अंदर चेंज लाना चाहते हो तो पहले अपने फिट होने के रीजन को चेंज करो। तुम्हें फिट होना है क्योंकि तुम्हें अपने हेल्थ की परवाह है, तुम्हें ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना है, किसी और की अप्रिसिएशन या फिर दुनिया की एक्सेप्टेंस के लिए नहीं। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना चाहती हूँ जो काफी टाइम से मेरे माइंड में थी। मुझे कुछ फीमेल्स कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स चाहते हैं हम वेट लूज करें और थोड़ा अच्छा दिखें। यार मुझे दुख तो ये जान के होता है कि वो हस्बैंड्स खुद ओवरवेट होते हैं और उसके लिए कुछ नहीं करते। यार अगर आपको सच में अपने वाइफ की हेल्थ की परवाह है तो उसका साथ दो ना, मिलके हेल्दी खाओ, मिलके फिटनेस फॉलो करो, मिलके एक घर में हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करो, सिर्फ एडवाइस मत दो, साथ भी दो। पहले मुझे पानी दो, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई। अब अगली एकदम फालतू की फिटनेस एडवाइस है कि अगर आपको वेट लूज करना है तो पसीना बहाना पड़ेगा। यार वेट है नमक नहीं जो पसीने के साथ निकल जाएगा, और अगर पसीने से वेट कम होता तो दिल्ली में गर्मियां आते ही दिल्ली वाले अपने आप पतले ना हो जाते। गाइस कार्डियो जैसे कि साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, ये सब हार्ट हेल्थ के लिए ना बहुत अमेजिंग है, वेट लॉस करना उसमें भी बहुत हेल्प करता है, बट हर वक्त कार्डियो करते रहना ये सोच के कि पसीना बहेगा और वेट लूज होगा, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग, टोनिंग, HIIT ये सब करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एडवाइस ऑन फिटनेस इज, ये मेरा डाइट प्लान है, इसे फॉलो करके मैंने 10 किलो वेट लूज करा है, आप भी कर सकते हो। एग्जैक्टली दिस, और लोगों के डाइट प्लान्स को फॉलो करना, आपका BMI, आपका बॉडी टाइप, आपकी मेडिकल कंडीशन जब सबसे अलग हैं, तो किसी और का डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान एग्जैक्टली सेम आप पे कैसे इफेक्ट कर सकता है। गाइस एक हेल्दी स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड डाइट प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं खुद इस चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, बट अगर है सच्ची सब्सक्राइब करोगे तो पता चलेगा ना, सब्सक्राइब। बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है और अगर आपको टाइमली रिजल्ट्स चाहिए तो कस्टमाइज्ड मील प्लान से बेटर कुछ भी नहीं है। चलते हैं अगली स्टूपिड फिटनेस एडवाइस पे जो शायद आपका वेट लूज तो करवा देगी बट साथ में स्ट्रेस, टेंशन और सिरदर्दी भी फ्री में देगी, और वो है फूड इज एवरीथिंग। अगर आपको वेट लूज करना है तो आप अपना खाना खाने की हैबिट्स को चेंज करो, खाना खाना कम कर दो या फिर कुछ मील स्किप कर दो, जबकि फिटनेस इज नॉट म्योरली फूड, फिटनेस इज मच मोर देन दैट, योर लाइफस्टाइल, योर बिहेवियर, योर थिंकिंग प्रोसेस, यू नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ द चॉइसेस दैट यू मेक, यू नीड टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद द फूड। जब तक खुद के साथ जबरदस्ती करोगे तब तक जबरदस्त रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे, सो यू नीड टू एंजॉय दिस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फिट, और ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट फिटनेस एडवाइस इज वेरी बैड बिकॉज इट मेक्स यू क्विट योर फेवरेट फूड। कहते हैं कि अगर आपको फिट होना है, हेल्दी होना है, वेट लूज करना है तो आपको अपना फेवरेट फूड खाना छोड़ना होगा। गाइस जंक छोड़ना है, जीना नहीं छोड़ना, इतनी सारी अमेजिंग ऑप्शंस होती हैं जिन्हें अगर आप माइंडफुली खाओ तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। एक बार आई एम आओ का डाइट प्लान देख के देखो, इतनी वैरायटी, इतनी ऑप्शंस, इतनी इंटरेस्टिंग और हेल्दी चीजें कि लोग खुद कहते हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई लव अबाउट दिस प्रोग्राम, आई कैन स्टिल गेट टू ईट द फूड दैट आई लव नाउ, इट इज एक्चुअली यू नो आई एम वाओ, आई नेवर न्यू आई कुड डू इट। नेक्स्ट फिटनेस एडवाइस, इट्स सो पैथेटिक दैट आई वांट टू डिसअपीयर। Guys, I love you so much that I had to come back. And if you also feel the same, तो वीडियो के नीचे जो थम्स अप का बटन है ना, उसे दबा के थोड़ा सा प्यार जाहिर करो। Okay, तो जो अगली बर्बाद फिटनेस एडवाइस जो हमें मिलती है वो है टू रिप्लेस योर मील्स, टू रिप्लेस योर फूड विद शेक्स। शेक, शेक, शेक। Guys, आपकी बॉडी को ना न्यूट्रिएंट्स चाहिए,
विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए जो खाने में होते हैं, फूड में होते हैं, शेक्स में नहीं। आप एक बार इन शेक्स को यूज करके वेट लूज कर लोगे, बट क्या जिंदगी भर के लिए कर पाओगे? अगली एकदम बेकार की फिटनेस एडवाइस जिसे आपको छोड़ना है वो है क्विट ईटिंग राइस, रोटी और एनी कार्ब्स। गाइज, इससे आपकी क्रेविंग्स और बढ़ेंगी, इरिटेशन होगी और एंड में आप ओवर ईट कर रहे होंगे। किसी भी टाइप का फूड ग्रुप, चाहे वो हेल्दी फैट्स हो या फिर अनप्रोसेस्ड कार्ब्स हो, आपकी बॉडी को उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो आप उन्हें क्विट नहीं कर सकते। यहाँ पे पोर्शन कंट्रोल इज द की, लिमिट में खाओ, डर में नहीं। तो गाइज, अगली और एकदम बाहियात फिटनेस एडवाइस है स्विमिंग बैग, या फिर मैंने ये भी सुना है कि आप एक टॉवल को गीला करके अपने पेट पे बांधो और कुछ देर तक बांधे रखो, इससे आपका पेट अंदर हो जाएगा। शिट, नहीं हुआ। एनीवे, ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि आपको किस तरह की स्टूपिड फिटनेस एडवाइजेस मिलती हैं। तो एक बहुत ही मजेदार रिप्लाई आया। सुरभि मिश्रा कहती है कि उनको एक बार किसी ने सलाह दी थी कि उल्टे बैठकर टमी को दबाकर पोछा लगाओ तो पेट अंदर हो जाता है। इसको ट्राई करके देखते हैं। इट्स स्टिल द सेम यार। और बेकार की एडवाइस जो हमें काफी सुनने को मिलती है वो है कि जिम मत जाओ, क्योंकि अगर जिम जाना छोड़ दोगे तो आपका वेट वापस बढ़ जाएगा। गाइज, हम जिम जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी करने, खुद को फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग बनाने। तो अगर हम जिम जाने के बाद भी, जिम छोड़ने के बाद भी वो फिजिकल एक्टिविटीज कंटिन्यूड रखते हैं, हम होम वर्कआउट करते हैं, हम उसके कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, रनिंग करते हैं, घर पे बॉडी वेट स्ट्रेंथनिंग टोनिंग एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर दोगे, काउच पोटैटो बन के बैठ जाओगे और खाने पे कंट्रोल नहीं करोगे, तो obviously weight बढ़ेगा। Next fitness advice, which is absolutely wrong, is that you cannot work on your health, your fitness, your weight, your body after a certain age. और ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मैंने खुद अपने फिटनेस प्रोग्राम से 60 साल, 70 साल, 80 साल के लोगों को फिट बनाया है। मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स को जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ डाइट से ठीक किया है। गाइज, आप जब भी अपनी लाइफ के जिस भी स्टेज में हेल्दी लाइफस्टाइल को अडैप्ट करने का, हेल्दी होने का डिसीजन ले लेते हो ना, उसी दिन से आपके आगे की लाइफ ज्यादा हेल्दी, बेटर और इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप जितनी जल्दी अपने लिए डिसीजन ले लो, उतना आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो गाइज, आई होप कि आज की वीडियो आपको काम की लगी होगी। वैसे आपको आज तक सबसे फनी फिटनेस एडवाइस कौन सी मिली है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, और कोशिश करना इस तरह की एडवाइसेस से आप खुद को